आज हम बात करने वाले हैं कॉनिकल कॉलर बेयरिंग के बारे में। फ्लैट कॉलर बेयरिंग एंड कॉनिकल कॉलर बेयरिंग में डिफरेंस ओनली ये है कि उसमें जो कॉलर होती है बेयरिंग को पे सपोर्ट करने के लिए वो कॉनिकल होती है। ये जो कॉलर रहेगी वो कॉनिकल रहेगी, जबकि फ्लैट कॉलर बेयरिंग में क्या होता है जो कॉलर होती है वो फ्लैट होती है, यानी कि सपोर्ट करने के लिए बियरिंग हम यूज करते हैं, बियरिंग का जो कॉलर यूज करते हैं वो फ्लैट होता है। जब हम कॉनिकल कॉलर की बात करते हैं तो उसमें एक एंगल आता है, ये होता है कॉन एंगल। कॉन एंगल इज इक्वल टू होता है 2 अल्फा, यदि इसको हम हाफ करते हैं तो ये होता है अल्फा, जो कि होता है सेमी कॉन एंगल। फ्लैट कॉलर बेयरिंग और कॉनिकल कॉलर बेयरिंग की यदि फॉर्मूलों की बात की जाए तो इसमें जो फ्लैट कॉलर बेयरिंग होती है उसका प्रेशर और लोड का फॉर्मूला सेम रहता है, जबकि फ्रिक्शनल टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है फ्लैट कॉलर बेयरिंग का होता है 2/3 μW, आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब बाय आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। ये हो गया फ्लैट कॉलर बेयरिंग के लिए। अब हम बात करते हैं कॉनिकल कॉलर बेयरिंग की, तो इसके लिए TF का फॉर्मूला होता है 2/3 μW sin α, यानी कि दोनों के फॉर्मूले लगभग सेम है। इसमें एक टर्म आ रहा है साइन अल्फा, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं ये साइन अल्फा आता कहां से है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक कॉलर ले लेते हैं, ये समझ लीजिए कॉलर है। अब इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये वाला एंगल हो जाएगा अल्फा सेमी कॉन एंगल, ये वाला पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, हाफ एंगल हो जाएगा अल्फा, तो ये रिमेनिंग हाफ हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब यहां से एक्सियल लोड आता है W, ठीक है, तो ये वाला जो लोड हो जाएगा ये हो जाएगा W, और जो नॉर्मल रहेगा वो हो जाएगा Rm, ये हो जाएगा नॉर्मल। यदि हम इसको साइन अल्फा की टर्म में लिखते हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू W/Rm, ठीक है, तो ये हो जाएगा W/Rm, ठीक है, इसी को मॉडिफाई करके मैंने ऐसे लिख दिया, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो हो जाएगी W/sin α। यदि हम फोर्स की बात करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की बात, उसका फॉर्मूला होता है μRm, तो μRm की जगह पे हम लिख देंगे W/α, तो इसमें जो रहेगा फ्रिक्शनल कोफिशिएंट वो रहेगा μ/sin α, जबकि जब वो फ्लैट कॉलर बेयरिंग की बात करते हैं तो उसमें जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है वो होता है म्यू, और इसमें यूज करते हैं μ/sin α। तो ये ओनली डिफरेंस है फ्लैट कॉलर बेयरिंग और कॉनिकल कॉलर बेयरिंग में। फ्लैट कॉलर बेयरिंग में जो भी हमको फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है उसी की वैल्यू पुट करेंगे, जबकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉनिकल कॉलर बेयरिंग के तो उसमें म्यू की वैल्यू तो पुट करेंगे ही, साथ में साइन अल्फा की वैल्यू भी पुट करेंगे, और साइन अल्फा हमको एंगल या तो वो प्रोवाइड कर देंगे कि इतना कॉन एंगल है या फिर सेमी कॉन एंगल प्रोवाइड कर देंगे। तो ओनली ये डिफरेंस है फ्रिक्शनल टॉर्क में फ्लैट कॉलर बेयरिंग में और कॉनिकल कॉलर बेयरिंग में, बाकी सारे फॉर्मूले कैलकुलेशन के हिसाब से सेम है। यहाँ पे म्यू यूज करेंगे, यहाँ पे μ/sin α यूज करेंगे कॉनिकल कॉलर के बेयरिंग के बारे में। तो ये हो गया कॉनिकल कॉलर बेयरिंग के बारे में। थैंक यू।